देखिए आपकी गाड़ी क्या रगड़ रगड़ के चमका रहा हूँ, एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप गुस्सा हो रहे हो? गुस्सा? और मैं? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। ये लो मेरा इनाम। मेरे दोस्त पतलू को क्यों मारा? जाके अपने दोस्त से पूछो। मोटू पतलू ने पता नहीं कौन सा केमिकल डाला और हमारी कार सड़ गल गई। देखो कार का क्या हाल हो गया। अब हम इनका भी यही हाल करेंगे। मारो। ये इतने मच्छर कहाँ से आ गए? लगता है मार्केट में खबर फैल गई है कि तुम्हारा खून बहुत मीठा है, सब चूसने आ गए। ये 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 एक मारा, ये दो मारा, ये तीन मारा, ये 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 मारा, ये मारा। ये दोनों इतनी रात को कवाली क्यों गा रहे हैं? अभी देखता हूँ। खबरदार, फिर तुम्हारा इतनी रात को कवाली गाई तो हड्डी पसली टूट गई। बॉक्सर भैया, हम सच कह रहे हैं, हम कवाली नहीं गा रहे थे। अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अजीब पागल इंसान है, दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देता। अच्छा, तो मैं पागल इंसान हूँ? मेरा बस चले तो इसका कीमा बना दूँ। अच्छा, ये मारा। आप क्यों मेहनत करते हैं? आपका काम हमने ही कर दिया। तुम दोनों की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरा बहुत ख्याल रखते हो। ऊपर वाला सबको ऐसे अच्छे पड़ोसी दे। मोटू पतलू के घर में ताला? अरे मोटू पतलू, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। ये देखो मेरी नई कार कैसी है। अरे वाह, मुबारक हो। बहुत अच्छी कार है। ये कार मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ। जय हो। अरे थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आप जैसा पड़ोसी ऊपर वाला सबको दे। अरे आप बहुत महान हैं, दयावान, धनवान और अच्छे इंसान हैं। ओए तुम दोनों ये क्या बकबक कर रहे हो? मैं तुम्हें अपनी कार रखवाली करने के लिए दे रहा हूँ। क्या? रखवाली? हाँ, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। नई कार है ना, इसलिए ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इस कार में एक भी खरोच आई तो तुम्हारे चेहरे पे हजारों खरोच आ जाएंगी, समझे? समझे। अब जल्दी इसके सारे हिस्से पुर्जे जोड़ देते हैं। हाँ, अगर बॉक्सर आ गया तो हम गए काम से। तुम दोनों मेरी कार को साफ कर रहे थे, धन्यवाद, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। ये तो हमारा फर्ज था, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। आओ तुम दोनों को एक लंबी लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलता हूँ। जी नहीं, लंबी लॉन्ग ड्राइव हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं, आप ही जाइए। मोटू पतलू, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या किया तुमने? रुक जाओ। गुड बॉय बेटा, साइकिल मुझे दो और तुम यहाँ रुको, मैं अभी आया।
मतलब में। फिर मेरे बच्चे की साइकिल छीनी तो बचाओ मोटू बचाओ ये क्या कर रहे हो छोड़ो छोड़ो उसे नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा ये मेरा शिकार है नहीं सॉरी सॉरी अरे सॉरी की कोई बात नहीं अक्सर जल्दी में ऐसी गलती हो जाती है धन्यवाद बॉक्सर भैया आप बहुत अच्छे हो आप बड़े दयावान हो दोबारा ऐसी गलती ना हो इसलिए मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता हूँ गलती हो गई भैया एक बार माफ कर दो फिर नहीं होगी ऐसी गलती हम जरा जल्दी में थे आपको देख नहीं पाए सॉरी बॉक्सर भैया सॉरी अरे कोई बात नहीं जल्दी में ऐसी गलती अक्सर हो ही जाती है नहीं नहीं बॉक्सर भैया इतने प्यार से बात मत करो डर लग रहा है प्यार से बात नहीं करो और तुम दोनों जब जाओ मुझसे आके टकरा जाते हो और मैं प्यार से बात भी नहीं कर सकता गई चलो पतलू बॉक्सर भैया सॉरी गलती हो गई दरअसल हम उस पतंग को देख रहे थे पतंगबाजी तो मेरा भी शौक है लेकिन पतंग लूटने के लिए सड़क पे नहीं भागना चाहिए उससे एक्सीडेंट होता है दूसरे को चोट लग जाती है और अपनी आंखें भी लाल नीली हो जाती है हमारी आंखें तो ठीक है हमारी आंखें लाल नीली कैसे हो जाती है मैं बताता हूँ येलो 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 क्यों अब हुए कि नहीं हो गई बड़े भैया लाल भी हो गई नीली भी हो गई धन्यवाद तो आज हमने क्या सीखा पतंग लूटने के लिए सड़क पे नहीं भागना चाहिए कौन है जो सुबह सुबह दरवाजा खटखटा रहा है हेलो मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया नहीं नहीं हरगिज नहीं आप जैसा पड़ोसी तो ऊपर वाला सबको दे पतलू पतलू देखो कौन आया है ओ, आप हैं आइए आइए मोटू पतलू मेरा एक काम करोगे क्या काम हेलो बेटे हाउ आर यू मेरी पत्नी किसी काम से बाहर गई है और मुझे भी जाना है मेरे बेटे को शाम तक अपने पास रख लो हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों मोटू हरगिज नहीं हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं क्या सोच रहे हो जी हाँ क्यों नहीं ये तो हमारा सौभाग्य होगा अगर मना कर दिया तो बड़ा दुर्भाग्य होगा बॉक्सर का बच्चा है बॉक्सिंग कर रहा है अब क्या करें चल सामान लेकर हिमालय पहाड़ में छुप जाते हैं उसने हमें पकड़ लिया तो सोच क्या होगा तो तुम दोनों आ गए हमारी कोई गलती नहीं है अरे ये क्या कर रहे हो तुमने तो मेरे सनी का इतना अच्छा ख्याल रखा कि मैं भी नहीं रख सकता था हमारी कोई गलती नहीं वो देखो कितने आराम से सो रहा है
अरे यही बात तो मुझे अच्छी नहीं लगती। अभी समोसे खाने का टाइम है और मैं पानी की टंकी लगा रहा हूँ। समोसे ही खाते रहोगे या कभी पानी भी पियोगे? चलो जल्दी करो। ओए मेरे देश में, मेरे देश में मैं निकला साइकिल लेके। एक मोड़ पे साइकिल गिरी, लड़खड़ाया। मेरे देश में बॉक्सर भैया, बॉक्सर भैया, उठो उठो, आप गाना गा रहे थे मेरे देश में, मेरे देश में। बॉक्सर भैया गुस्सा मत करो, क्रोध मनुष्य का दुश्मन है, क्रोध मनुष्य का दुश्मन है। अभी तो मोटू मेरा दुश्मन है। तुम हमेशा अपनी ताकत से हमें डराते धमकाते हो, लेकिन अब जमाना बदल गया है। पतलू कंट्रोल कंट्रोल, क्रोध मनुष्य का दुश्मन है। अभी तुम ही तो बॉक्सर को सिखा रहे थे। बस मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई मेरे दोस्त का ये हाल करे। तुम क्या सोचते हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता? तो तुम मुझे हरा सकते हो, ठीक है। कल सुबह हम दोनों के बीच बॉक्सिंग का मुकाबला होगा। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। बॉक्सर भैया तुमने मोटू को मारा था, इसलिए गुस्से में मैंने चैलेंज कर दिया, लेकिन अब गुस्सा शांत हो गया है। जाओ, तुम्हें माफ किया, फिर कभी मेरे दोस्त को मत मारना। ओए रुक जा। सॉरी बॉस, अब तो बॉक्सिंग करके ही सबक सिखाना होगा, मुझे नहीं चाहिए माफी वाफी। चिंगम सर बचाओ, फाइट शुरू करो। चिंगम सर, आप दीवार बन के मेरे सामने खड़े रहो। ओए मैं ये दीवार ही तोड़ देता हूँ। पतलू डरो मत, जम के मुकाबला करो। ओए तू भाग क्यों रहा है? मैं वार्म अप कर रहा हूँ, तुम यहीं रुको, मैं जॉगिंग करके आता हूँ। राउंड वन कट आउट। ओए अब कोई राउंड वाउंड नहीं होगा, सीधी फाइट टिल नॉकआउट होगा। ये लो ये दवा पी लो, तुम्हारी ताकत 10 शेरों जैसी हो जाएगी। क्या टॉनिक पिला रहे हो उसे? लाओ मैं ही पी लेता हूँ। अरे उसे ऊपर वाले के पास हर तरह का टॉनिक मिल जाएगा। मेरे जैसे 4-5 भी आ जाए तो भी उसे नहीं हरा सकते। और तुम जाओ और लड़ो, मेरी उस दवा से अब तुम जैसे 4-5 ही उसे दिखेंगे और उसे पता ही नहीं चलेगा मारना किसे है। ओए तुम अपनी अकल का इस्तेमाल करके उस पे वार करते रहना। ओए ओए ये चार चार कहां से आ गए? एक एक को देख लूंगा। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। मारो पकलू, डरो मत। ओए एक एक करके आओ, सबको देख लूंगा। क्यों आ रहे हो?
बस और नहीं लड़ सकता। ए, ए, कार साइड में करो, जल्दी करो, ट्रैफिक जाम करके रखा है। ओए, चुप करो, कार साइड में कर रहा हूँ, रुको। देखो बॉक्सर की कार सड़क के किनारे फंस गई है, इस हाथ को कहो कि उसे सड़क पे ले आए, फिर धक्का मार के स्टार्ट कर दे। मैं नहीं कहूँगा, अरे इस हाथ ने तो हमारी अच्छी पिटाई करवा दी। ये क्या किया, बड़ी मुश्किल से कार को सड़क के साइड में किया था, बीच सड़क पे रुक के ट्रैफिक जाम कर रही थी और तुमने वापस सड़क के बीच में डाल दिया। तुम नीचे क्यों खड़े हो, जाओ अपने दोस्त के पास जाओ और करोगे बॉक्सर की मदद। अगर आज बच गए तो फिर कभी नहीं। हाथ भैया, बॉक्सर की कार को उठा के वापस रख दो। ये क्या कर दिया, मुझे वापस ठीक करो। बेवकूफ, पापा कहते थे बड़ा बॉक्सर बनेगा, दादा कहते थे बहुत बड़ा बॉक्सर बनेगा। मोटू मुंह नीचे रखना, कुछ बोलना मत। हेलो मोटू पतलो, ये लो फ्रूट्स खाओ। थैंक यू, मेरी तरफ से भी और मोटू की तरफ से भी। ओए, इसके मुंह में ताला लगा है क्या जो ये थैंक्स नहीं बोलेगा। ओए, जरा ऊपर तो आ। सॉरी सॉरी बॉक्सर भैया, सॉरी। मोटू जल्दी से दरवाजा बंद करो, चाय वाला पैसे मांगने आ रहा है, 2 महीने से उसका उधार नहीं चुकाया है। ओए! बॉक्सर भैया आइए आइए, सुबह सुबह कैसे आना हुआ। बॉक्सर भैया सॉरी, गलती हो गई। ओए, मैं तो ये बताने आया था कि ऊपर मौसम कितना अच्छा है, जाओ देखो। हाँ हाँ जरूर देखेंगे, चलो मोटू। कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से भेजता हूँ, ये ले। अरे ये क्या किया, हमारी छत तोड़ दी। ओए कैसा दोस्त है, तुझे छत की पड़ी है दोस्त की नहीं, जा पहले दोस्त से पूछ के तो आ कि वो कैसा है, ये ले। एक मिनट, जब हमें ऊपर ही जाना है तो मार खा के क्यों जाए, चल मोटू। और एक मिनट, एक पंच तो मारने देते, सारा मजा खराब कर दिया। अरे ये बॉल किसने मारी। अय अम्मा, तुमने क्यों पूछा जी, हम तो गोली मारता, बॉल नहीं। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, तुम में से किसी एक ने तो बॉल मारी होगी। हमसे गलती हो गई, अब दोबारा क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हाँ हाँ, we are sorry। अरे सॉरी कहने की कोई बात नहीं, खेल खेल में तो हो ही जाता है। मुझे भी खेलना बहुत पसंद है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ और पता नहीं जब मैं किक मारता हूँ तो फुटबॉल कितनी दूर जाती है। उड़ी बाबा, कितनी दूर। इधर आओ, सब लोग खड़े होके एक साथ उधर देखो, ये लो ये लो ये लो ये लो, खुदी जाके देख लो कि बॉल कितनी दूर जाती है। फिर कभी क्रिकेट खेला तो मैं अगली बार तुम्हारे साथ हॉकी खेलूंगा। जोड़ी नंबर 1 कॉम्पिटिशन में आप सबका स्वागत है। याद रहे ये मिक्स्ड डांस कॉम्पिटिशन है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का डांस दिखाया जा सकता है। पहले सब जोड़ियां स्टेज पर आएंगी, मोटू पतलू, झटका घसीटा राम, चाय वाला और सब्जी वाली, बबलगम एंड चिंगम, जॉन विथ साथी एंड बॉक्सर विथ, अरे कोई नहीं। अब बॉक्सर जी आप अकेले ही क्यों, मुझे पार्टनर नहीं चाहिए, मैं अकेला ही 2 के बराबर हूँ।
सॉरी, बिना पार्टनर आप डांस नहीं कर सकते, आपको डिस्क्वालिफाई किया जाता है। क्या कहा? ओके, जब हम 1 2 3 बोलेगा तब स्टार्ट करना है। एक मिनट पूरी बाबा, इसको हमारा टैलेंट पे भरोसा ही नहीं है। मुझे हमारे टैलेंट से ज्यादा पड़ोसी के टैलेंट पे भरोसा है। 1 2 3 स्टार्ट। लो आ गए पड़ोसी, किसी और को भी हेलमेट चाहिए। ओए ओए, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ओए, कार के पर्दे तो फट ही गए, घर के कांच भी टूट गए, अब तुम लोगों के टूटने का समय है। फिर बजाओगे ये बैंड बाजा? वो तो येलो फ्रूट्स खाओ, इसे खाने से तुम्हारी याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी। तुम कौन हो भाई? ये बॉक्सर हैं, याद है? ये हम दोनों को कई बार पीट चुके हैं। मोटू, क्या कर रहे हो? हम सबको ऊपर भिजवाओगे क्या? पूरी बाबा, आप तो मोटू को ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। इसके याददाश्त जल्दी वापस लाओ, फिर मैं इसका भरता बनाऊंगा। थैंक यू बॉक्सर भैया। मोटू को उस एक्सीडेंट में सिर पर चोट लगने के कारण याददाश्त चली गई। उस जगह फिर से चोट लगेगी तो याददाश्त वापस आ जाएगी यार। ओए, तूने गलत जगह पे मारा, ला मैं मारता हूँ यार। याद आ गया, याद आ गया बड़े भैया। पतलू, घसीटा राम, सब याद आ गया। मोटू, सब याद आ गया। एक मिनट, अभी पूरी तरह से याद नहीं आया होगा। अब मैं इसे तब तक मारूंगा जब तक इसे पूरी तरह से सब याद ना आ जाए। रुक जाओ। बॉक्सर भैया आइए, अपने बच्चे के लिए टॉयज ले जाइए। बॉक्सर सर, बॉक्सर सर, इधर आइए। देखिए, बॉक्सिंग ग्लव्स ले जाइए, पंचिंग बैग है, बहुत कुछ है। आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। कम दिस साइड प्लीज। ओए, मुझे ना इधर जाना है ना उधर। तुम लोग जाओ, तुम्हें जिधर जाना है जाओ। बॉक्सर भैया, हमारे घर में कोई चोर आ गया है, आप क्या उसे मार पीट के भगा सकते हो? चोर की इतनी हिम्मत कि वो मेरे पड़ोस में चोरी करने आए, उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ओए, चोर, इधर है चोर। ओए चोर, चल बाहर निकल। अंधेरे में कर्नल सिंह को देख के बॉक्सर ये नहीं समझ पाएगा कि ये चोर नहीं कोई फौजी है, और बॉक्सर की मार खा के फौजी अंकल सीधा घर भागेगा, देखना। ओए चोर, ha ha ha!
बहुत दिनों बाद लड़ने में मजा आया। अरे फौजी अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका मोटू। बचपन में आप मुझे मोटू मोटू कहते थे, याद है? हा? तो ये दोनों कौन हैं? ये मेरे पड़ोसी हैं, मोटू पतलू। अरे मैं गलती से इनके घर चला गया और इन दोनों ने हमें ही लड़वा दिया। अरे इनके इतने हिम्मत, झूठ बोल के मुझे मेरे ही अंकल से लड़वा दिया। अब ये किसी को लड़वाने के लायक नहीं रहेंगे। मोटू अटैक। अरे तुमको नहीं, बॉक्सर को बोल रहे हैं, जान प्यारी है तो भागो। मोटू तुम तो कह रहे थे ये तुम्हारे फौजी अंकल है। अरे बचपन में मेरे घर में भी एक फौजी अंकल आते थे, मैंने सोचा ये वही है। भागते रहो, अभी बात मत करो। अरे बात कर जाओगे का? मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, एक घूंसे मारूंगा, याद रखोगे? कटी पतंगों को लूट के इकट्ठा करते हैं और उनके धागे से ही उन्हें उड़ाएंगे। जय हो, ये आइडिया अच्छा है। वो देखो वो पतंग कर गई, चलो पतलू। बॉक्सर भैया सॉरी, गलती हो गई। दरअसल हम उस पतंग को देख रहे थे। ओह, पतंगबाजी तो मेरा भी शौक है, लेकिन पतंग लूटने के लिए सड़क पे नहीं भागना चाहिए, उससे एक्सीडेंट होता है, दूसरे को चोट लग जाती है और अपनी आंखें भी लाल नीली हो जाती है। हमारी आंखें तो ठीक है, हमारी आंखें लाल नीली कैसे हो जाती है? मैं बताता हूँ। येलो 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 येलो। क्यों, अब हुए कि नहीं? हो गई बड़े भैया, लाल भी हो गई, नीली भी हो गई। धन्यवाद। तो आज हमने क्या सीखा? पतंग लूटने के लिए सड़क पे नहीं भागना चाहिए। पतलू मुझे पकड़, मैं आगे हाथ बढ़ाता हूँ। तुम आगे बढ़ो, मैंने तुम्हें पकड़ रखा है। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, बारी पर से खटन गया से खट के लिया था रंग। ओए सारे पूछे हट जाओ, अब उड़ेगी मेरी पतंग। बॉक्सर जी, आप पेड़ के नीचे कैसे आ गए? आपने कहा था पतंग सड़क पे लूटना गलत है, इसलिए हम पेड़ से पतंग उतार रहे थे। क्षमा बॉक्सर भैया, क्षमा कीजिए, हमने जानबूझ के आपको चोट नहीं लगाई। अरे हम कौन होते हैं क्षमा करने वाले या सजा देने वाले, ये सब तो ऊपर वाले के हाथों में है। एकदम सही कहा, एकदम सत्य वचन। अब ऊपर वाला चाहेगा तो हमें सजा देगा या माफ कर देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, पतंग पेड़ से उतारना खतरनाक होता है, इसमें किसी के ऊपर गिरने का डर रहता है और फिर ऊपर उड़ने का डर भी तो होता है। एक मिनट, हम ऊपर से नीचे तो गिर सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर कैसे उड़ सकते हैं, ये बात समझ नहीं आई। अभी समझाता हूँ। ये ले। तो आज हमने क्या सीखा? बरसी खटन गया सी खट के लिए आंधा रंग, मोटू पतलू उड़ गए, अब उड़ेगी मेरी पतंग। ओए याहू याहू, ओए याहू याहू, ओए याहू याहू, ओए याहू याहू। बॉक्सर भैया मालूम है, हमें सब मालूम है कि छत पे पतंग उड़ाना खतरनाक है, इससे अपनी आंखें लाल नीली होने का खतरा रहता है, ऊपर से गिर के वापस उड़ने का डर रहता है और गायब होने का भी चांस रहता है। गायब होने का चांस? कोई गायब कैसे हो सकता है? ऐसे। और किधर गए? अरे एक पंच तो मारने दो। मोटू ये क्या कर दिया, एक बतख नहीं संभाल सकते। अरे वो अचानक से उड़ गई, मैं क्या करूं? मेरे देश में मेरे देश में मेरे देश में मेरे देश में सॉरी
सॉरी बॉक्सर भैया। हमें नहीं पता था कि आप नीचे हो। ओए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है। ये ले, ये ले। कमर टूट गई। मत, हम सोने का अंडा देने वाली बतख पकड़ रहे हैं। हम तुम्हें भी रोज एक अंडा देंगे। हाँ। वैसे ही सॉरी कहते तो मैं छोड़ भी देता, लेकिन इस तरह की कहानी सुना के मुझे उल्लू बना रहे हो। हम सच कह रहे हैं, वो देखो सोने का अंडा देने वाली बतख। अरे तुम दोनों तो मुझे उल्लू ही नहीं एकदम पपलू समझते हो, कौवे को बतख बता रहे हो। जाओ अपने सोने का अंडा देने वाली बतख के पास। ओए ओए ओए, ये इंसान का बच्चा नहीं हो सकता। वो औरत ठीक कह रही थी कि उसके पीछे एलियन पड़े हैं। ये एलियन ही है और ये अब हमारे पीछे पड़ा है। नीबू जिली बूबू। ओए मोटू पतलू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर पे आके मुझ पर ही कूद रहे हो। अब तो गया काम से बंदू, अब तो गया। अब तो गया काम से। अब तो तुम्हें ऊपर वाला भी बचा नहीं सकता। ओए, मेरे दीवार को तोड़ के ही आनी थी। हाँ ओए। अरे बेबी क्यों पिटवा रहा है हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उजली पुजली बूबू। अरे दीवार तो ठीक है, फिर मोटू पतलू यहाँ कैसे आ सकते हैं? मैं जरूर कोई सपना देख रहा था, लेकिन मजा आ गया। क्या धुलाई की है उनकी। चलो पतलू, चल के गर्मा गर्म समोसे खाते हैं। उजली पुजली बूबू। ए उगलू बुगलू बू, अब अच्छे बच्चों की तरह शांत रहना, रात की तरह तंग मत करना। मम्मी, मम्मी,
क्या कर रहा है? मैं सपना देख रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ। Thank you.